नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल टेरेस गार्डन में। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो ये फ्लावर्स दिखा रही हूँ, ये अडेनियम के हैं। और फ्रेंड्स, पिछले एक मंथ से मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये जो फ्लावर्स दिखा रही हूँ कि आप भी मेरे साथ इस फ्लावर्स को इंजॉय करें। और फ्रेंड्स, आइए, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इन फूलों की तरह पिंक पिंक है और बड़ा खूबसूरत प्लांट है। तो आइए मिलते हैं उस खूबसूरत प्लांट से और जानते हैं उसकी केयर क्या है। फ्रेंड्स, हमारा जो खूबसूरत प्लांट है पिंक वाला सिंगोनियम, फ्रेंड्स ये प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये पिंक वाला। ग्रीन सिंगोनियम तो फ्रेंड्स अक्सर हर जगह मिल जाता है देखने को, पर ये वाला जो सिंगोनियम है काफ़ी कम पाया जाता है और काफ़ी कम लोगों को पता है फ्रेंड्स इसकी प्रोपेगेशन क्या है, इसकी केयर क्या है। वैसे तो नर्सरी में काफ़ी सारे क्वांटिटी में इसकी छोटी लीव्स के और बड़े लीव्स के प्लांट आते हैं फ्रेंड्स, बट कई बार लोग ले भी आते हैं और इनकी जो केयर है वो नहीं पता होने के कारण फ्रेंड्स कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ये पिछले साल से है और मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाली हूँ कि इसकी केयर क्या है, जो ये हम इसको एक बार अपने यहाँ ले आएँ तो हमेशा ये कैसे हमारे यहाँ रहें। तो आइए बात करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो इसकी ब्रांच है। ये देख रहे हैं किस तरीके से बाहर निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम चाहें तो इसकी कटिंग करके प्लांट से प्लांट बना सकते हैं और चाहें तो फ्रेंड्स इसमें मॉस स्टिक आती है वो लगा सकते हैं। मॉस्टिक लगाने के बाद फ्रेंड्स ये ऊपर ऊपर चलेगा। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं प्लांट्स में, हमें जैसे कि टॉल ना दिखा करके सिर्फ भरा भरा गमला दिखाना है, जैसे कि मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे कि नीचे आपने देखा कि उसकी जो ब्रांच है वो बड़ी हो रही है, तो इसमें अगर ऐसा होता है तो मुझे वो किसी हद तक तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्लांटर मेरा कवर हो जाएगा फ्रेंड्स अगर ये बाहर निकल के लटकती है इसकी ब्रांच, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने ये इसमें लगा रखा है नीचे पॉट में, तो फ्रेंड्स मैं इस प्लांट में मॉस्टिक लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट से प्लांट नहीं बनाना है। मैं आपको दिखाऊँगी फ्रेंड्स नीचे से जूम करके, ये एक ही पौधा था फ्रेंड्स, ये नीचे देख रहे हैं ये एक ही पौधा था और इसकी साइड से ये ब्रांच निकली है इतनी बड़ी और साइड में ही चल रही है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें मॉस्टिक ऐड करूँगी जिससे इसको थोड़ा सा पोषण और मिले और फ्रेंड्स मेरा ये प्लांट काफ़ी सारा हो जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से ये थोड़ा टॉल होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना। तो ये तो हुई फ्रेंड्स हमारी कि हमें ये नीचे ही नीचे फैलाना है या फिर मॉस्टिक में लगा के थोड़ा टॉल करना है इस चीज़ पर। अब फ्रेंड्स, ये हमारे घर में एक बार लाने के बाद हमेशा रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं मैंने एक वॉल पे ये पॉट लगा रखा है और उसी में इस प्लांट को लगा के ऐड कर रखा है अच्छी तरह। सो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी छोटी छोटी नीचे से लीव्स आ रही हैं ना, काफ़ी सारी आ रही हैं। ये देखिए, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं। तो इसको मैंने फ्रेंड्स क्या किया है, मैंने इसमें पहले तो इसकी सॉइल की बात करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसकी सॉइल में नीम खली मिलाई है और सेंट लिया है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा कोकोपीट भी लिया है और थोड़ी सी फ्रेंड्स गोबर की खाद ली है। मैंने चारों का मिक्सचर इसमें डाला है और उसके बाद इस प्लांट को लगाया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं इसमें संडे टू संडे पानी देती हूँ, मैं इसमें रोज़ पानी नहीं देती हूँ। तो कुछ प्लांट हमारे ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको रोज़ पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनमें से ही ये प्लांट है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फ्रेंड्स, जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया कि कोकोपीट की मात्रा है, तो इसमें आप दो दिन तीन दिन में दे सकते हैं। और जैसे कि अभी बरसात है तो बरसात का मौसम है और जैसे अब सर्दियाँ आ रही है, तो सर्दियों में तो फ्रेंड्स इसमें आप 15 दिन में पानी दें, इसकी मिट्टी को चेक कर लें बिल्कुल। जब इसकी मिट्टी 1-1.5 इंच तक ड्राई हो जाए तभी फ्रेंड्स इसमें आप पानी डालें। इन प्लांट्स को अगर पानी की मात्रा कम देंगे तो ये काफ़ी अच्छे चलेंगे, जैसे ये मेरे यहाँ चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए काफ़ी खूबसूरती से फ्रेंड्स ये हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा खासा बुशी हो गया है फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और आगे भी
लगने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा प्लांटर कवर हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आप लगा सकते हैं अपने घर में नर्सरी से ला करके। तो कई बार नर्सरी से लाना इजी होता है फ्रेंड्स, पर इसकी जो जानकारी है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्लांट्स लगाया पहले, उसके बाद समझा है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें और समझ में आए तो आप ज़रूर इस प्लांट को लाएँ और लगाएँ अपने घर में। और डिवाइड करने का जो प्रोसीजर है इसका फ्रेंड्स, अगर आपको प्लांट से प्लांट बनाना है तो बिल्कुल सेम है जैसे वो ग्रीन वाला सिंगोनियम है, जो प्रोपोगेशन उसकी है सेम प्रोपोगेशन इसकी है कोई उस। और दूसरा फ्रेंड्स, इसको आप इंडोर रखें, इंडोर मीन्स शेडी एरिया में रखें, ब्राइट लाइट में भी ना रखें फ्रेंड्स, क्योंकि जो इनके जो पत्ते होते हैं बड़े ही कोमल होते हैं फ्रेंड्स, अगर ब्राइट लाइट की जो हीटनेस है उससे भी इसके पत्ते मुड़ जाते हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ख़राब लगने लगते हैं। मैंने इस प्लांटर को रख के देखा था तो इसके पत्ते बर्न हो गए थे, इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं शेप पूरी पत्तों की आ नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये नीचे वाला तो आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने ये कि इस खूबसूरत मनी प्लांट्स के साथ में ऐड कर रखा है, ये देखिए। तो दूर से फ्रेंड्स ये खूबसूरत दो कलर की जो लीव्स वाला मनी प्लांट है मेरे यहाँ, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और उसके साथ जो मैंने ये पिंक वाला सिंगोनियम ऐड करा है, तो ये मेरा जो पॉट है काफ़ी खूबसूरत लगता है दूर से फ्रेंड्स रखा हुआ, काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है इसका। तो ये धीरे धीरे फ्रेंड्स अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसको सर्दियों में पानी 15 दिन में दें और गर्मियों में 2-3 दिन पे दें। और अभी जो मौसम है इस मौसम में फ्रेंड्स आप जैसे कि मैंने आपको बताया संडे टू संडे एक दिन बांध लें कि मुझे संडे या फिर सैटरडे कोई भी एवरी डे जो आपको समझ में आता हो उस दिन के हिसाब से इसमें पानी दें फ्रेंड्स, इसमें रोज़ पानी ना दें, काफ़ी अच्छा आपके यहाँ चलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि ऐसी खूबसूरत खूबसूरत लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।